शिवपुरी में हाल ही में कैबिनेट मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया महाराज साहब का आगमन हुआ, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर उन कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आपको बता दें कि जैसे ही शिवपुरी में महाराज साहब का आगमन हुआ, वैसे ही नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया, साथ ही फूलमाला पहनाकर उनको आदर सम्मान भी किया, जिसके बाद महाराज साहब कई कार्यक्रमों का हिस्सा बने। आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज पाम आइलैंड पार्क का अवलोकन किया है, जिसके बाद आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 और 39 में संजीवनी क्लिनिक का भी लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। इसी के साथ ही तीर्थयात्री सेवा सदन नमो नगर में सेवा सदन का उन्होंने लोकार्पण किया है। वहीं वार्ड नंबर 17 में मिनी थीम रोड का भी भूमि पूजन उनके द्वारा किया गया, जिसके बाद महाराज साहब द्वारा वार्ड क्रमांक 26 में चित्रगुप्त मंदिर पर पूजा अर्चना की गई और साथ ही विधायक निधि से मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इस दौरान पत्रकारों ने महाराज साहब से कई सारे सवाल किए। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि वो शिवपुरी से क्या चुनाव लड़ रही हैं या फिर उनकी चुनाव की स्थिति में क्या कुछ दावेदारी है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, इस पर संशय बना हुआ है। इसके जवाब में श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया महाराज साहब ने कहा कि जो कोई भी अटकलें लगा रहा है उसको शिवपुरी से दावेदारी लड़नी है। मैं तो वहां पर स्थायी हूं और मैं हमेशा ही रहूंगी। मेरे लिए कहना ही छोड़ दो, जो कुछ भी शिवपुरी के लिए कह रहा है कि मैं वहां दावेदारी नहीं कर रही हूं, दरअसल उसी को ही शिवपुरी में आने की जद लगी पड़ी हुई है। इसके साथ ही पत्रकारों द्वारा वीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे पर भी उनसे सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है और यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। आप भी चाहें तो आप भी चुनाव लड़कर मेरे सामने प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं, आम लोगों में से भी कोई खड़ा हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोकतंत्र है, सभी को आने जाने का पूरा पूरा अधिकार है। अच्छा, पिछले एक महीने में बहुत सारे भाजपा से ही नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो क्या में थे ही नहीं थे, पर कुछ ऐसे भी हुए हैं? नहीं, पर चूंकि संगठन जैसे बैजनाथ सिंह यादव हैं, जितेंद्र जैन गोटू हैं, बीरेंद्र रघुवंशी हैं, धाकड़ हैं, कांग्रेस के थे भाई, हाँ राकेश गुप्ता हैं, वो ठीक है महाराज, पर भाजपा से गए तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं लगता कि संगठन यहाँ जिले में कमजोर हुआ है और उसने इस तरह का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उनको चांस, शायद मौका मिल जाएगा, वहाँ टिकट या टिकट नहीं मिलने वाला। 20 साल से सरकार बीजेपी की है लगभग, और आप भी शायद चौथी बार यहाँ से विधायक है, तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं देखती हैं आप? कहीं नजर आती है एंटी इनकम्बेंसी? लगातार 5 लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, उनके नाम भी मैं कर सकती हूँ आज, खुलासा कर दो महाराज। उनको इतना खुश क्यों बनाऊं? कोई संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों को, उन 5 लोगों को? वो 5 लोग के ऊपर पूरा चुनाव निर्भर नहीं होता, जनता जिसके लिए मैंने मदद की थी मणिखेड़ा से पानी यहाँ तक लाने के लिए, जो रातों रात में वहाँ रहती थी नरवर साइड पे, वहाँ बिना बिजली बिना पानी, और वहाँ देखती थी इंटेक वेल जब ठीक से नहीं बन रहा था, तो ये सब 5-10 कहाँ थे? इंटेक वेल के बाद जब फिल्टर प्लांट ठीक से नहीं बन रहा था, तो कितने बार हम वहाँ गए, धूप हो या कड़ी ठंडी तब भी हम गए, पानी तो ले आए बाईपास रोड तक। अब उसके बाद भी नगर पालिका का समय समस्या होती, फिर उसके बाद आई कोरोना, 2 लहर के बाद भी कोई कह नहीं सकता कि हमारा फ़ोन नहीं उठाया या हमारे अंत्येष्टि में इनकी भावना नहीं थी या हमारे परिवारजनों को बचाने की ये पूरी व्यवस्था थी। वो दिन कितने जल्दी भूल जाते हैं लोग, वो मैं आज सिर्फ याद दिला रही हूँ क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा। मैं वही सोच रही हूँ कि लोगों की दिमाग और मेमोरी थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए भाई। कोरोना जैसा एक लहर और फिर उसके बाद दूसरी लहर में जिस तरह से हाई मची थी इस पूरी एरिया में, और जिस तरह से हमारे रात हमारे दिन बन गए, कई बार तो हम तो सोते भी नहीं थे, एक एक घंटे सोते थे, आधे घंटे सोते थे, जो याद है वो दिन, क्योंकि मेहनत तो मेरी थी, मेहनत थी मेरी प्रशासन की, और हम लोगों ने कभी कुछ एक छोटी सी चीज़ नहीं छोड़ी, एड़ी चोटी हम लोगों ने काम किया। उस लहर में प्रवेश
हमारी टीम्स होती थी जो राशन पानी तेल चावल दाल वो बांटती थी। किसी ने फोन किया मेरे ऊपर, मैं अपने टीम को कहती थी 15 मिनट के अंदर, लोगों ने देखा था, है ना।